एंड नाउ सेकेंड टाइप के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं हमारे पास, लाइक ये है हमारे पास लॉग 3 to 5 raised to power 1/3। सो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं देन हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। हमारे पास एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग ए रेस्ट टू पावर बी। अगर ऐसा कुछ है तो हम ये जो पावर है आगे आ जाती है बी लॉग ए, सो इसको भी हम ऐसे ही राइट करेंगे 1/3 लॉग 3 to 5। सो अब हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है लॉग 3 to 5 की। सो अगर ऐसा हमारे पास टर्म आती है कोई भी देन लॉग 3 to 5 हम यहाँ पे इस पॉइंट के बाद जीरो लगा देंगे। देन 32 की वैल्यू देखेंगे हम 5 के ऊपर, लॉग टेबल के अंदर 32 की वैल्यू 5 के ऊपर। सो ये लॉग 32 है, जीरो से शुरू होता है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये हमारे पास वैल्यू है 5, 1, 1, 9। हमारे पास वैल्यू आई 5, 1, 1, 9। क्लियर, जीरो के ऊपर मेन डिफरेंस के अंदर कोई टेबल नहीं होती। देन डेसिमल से पहले नंबर कितने हैं हमारे पास, 3। तो हम क्या करेंगे 3 - 1, 2। सो यहाँ पे पॉइंट के आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर इस टाइम इस टाइप का कोई भी टाइप आती है हमारे पास देन हम इस तरीके से कर सकते हैं। एंड नाउ नेक्स्ट, अगर हमारे पास कोई भी लॉग की टर्म निकालनी है बट वो मल्टीप्लिकेशन के अंदर है देन हम लॉग की दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। लॉग ए इंटू बी का हमारे पास फॉर्मूला होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। सो इस टर्म को हम ऐसे ही चेंज करेंगे, लॉग 6.022 प्लस लॉग 10 raised to power 26। देन इसके ऊपर यही ऊपर वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी हमारी 26 लॉग 10, और लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है। सो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आई 26। और ये वाली जो टर्म है इसको हम एज इट इज़ सोल्व करेंगे जैसे हमने ऊपर सोल्व किया है लॉग 6.022 को। अब 6 की वैल्यू कोई होती नहीं हमारे पास टेबल के अंदर क्योंकि हमारे पास जो टेबल है वो 10 से शुरू होती है। सो हम चेक करेंगे 60 को 2 पे, लॉग 60 की वैल्यू 2 पर। सो ये हमारे पास लॉग 60 0 1 2 7 7 9 6 7 7 9 6। क्लियर, देन 60 की वैल्यू मेन डिफरेंस टेबल के अंदर 2 पे। ये मेन डिफरेंस टेबल है हमारे पास, ये 60 का कॉलम 1 2, वैल्यू है हमारे पास 1। सो यहाँ से आया हमारे पास 7 7 9 7, और डेसिमल से पहले कितने नंबर हैं, 1। सो हम क्या करेंगे 1 - 1 इट मीन्स 0, जो 0.7797 ये हमारे पास आगे वैल्यू लॉग 6.022 की। बट हमने वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी थी, हमने वैल्यू इसकी कैलकुलेट करनी है। सो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0.7796 के अंदर हम 26 ऐड कर देंगे। यहाँ से ऐड करने के बाद आंसर आया 7822। क्लियर, एंड नाउ अगर हमारे पास इस टाइप का कोई भी टाइप है लॉग ए बाय बी देन हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की, लॉग ए बाय बी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी। सो सेम इसी प्रॉपर्टी से आप इसको सोल्व कर सकते हो, लाइक हमारे पास टर्म क्या बनेगी देन, लॉग 32.8 माइनस लॉग 6.24। सो यहाँ पे आप चेक करोगे 32 को 8 पे और यहाँ पे आप चेक करोगे 62 को 4 पे। चेक करने के बाद कमेंट में अपना आंसर ज़रूर बताएं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो फिफ्थ टाइप है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लॉग 8। अगर हमारे पास कोई भी एक टर्म है डेसिमल नहीं लगाया हुआ है देन हम क्या करेंगे, इसके पीछे पॉइंट लगा के जीरो से लगा लेंगे क्योंकि लॉग 8 हमारे पास पॉसिबल नहीं है टेबल के अंदर। हमारी जो टेबल है वो 10 से शुरू होती है और 99 तक जाती है। सो हम अब चेक करेंगे लॉग 80 को जीरो के ऊपर। सो लॉग 80 जीरो, लॉग 80 की वैल्यू जीरो पे क्या है, 9031। सो हमारे पास आई वैल्यू 9031, डेसिमल से पहले कितने नंबर हैं, 1। सो 1 - 1 0, तो 0.9031 ये हमारे पास वैल्यू आ गई लॉग 8 की। क्लियर, आई होप आपको लॉग टेबल समझ आई हो कैसे हमने कैलकुलेट करनी है। देन फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम है देन आप कमेंट कर सकते हो, डेफिनेटली आपको उसका आंसर मिलेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।